हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान बी 71। हमारा आज का टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। इस वाले टॉपिक से एचपीटेट आर्ट्स में पहले बहुत से क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हो तो आप चाहे एचपीटेट आर्ट्स का एग्ज़ाम दोगे या फिर एचपी के जो अदर टैट होते हैं उन सभी में भी इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन बन जाता है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ से टैट में आए हुए बताऊंगी भी। और अगर आप एचपी के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, आगे अगर आपका टैट क्लियर होता है उसके बाद आप कमीशन भी देते हो, तो वहाँ पे भी आपको इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे जीके पार्ट आता है वहाँ पे इस वाले टॉपिक से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हो तो ये टॉपिक आपका सिर्फ टैट के लिए ही नहीं बल्कि अदर जो एग्ज़ाम्स आप दोगे वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अच्छे से आपने इसे तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको इस वाले टॉपिक से पुराने आए हुए क्वेश्चन भी बताऊंगी और दूसरा जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी साथ में ही बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्रांति की पृष्ठभूमि जो है वो बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी, तब जा करके फिर मेन टॉपिक पे हम आएंगे। भारतीय लोग जो है वो धीरे धीरे अंग्रेज़ों के खिलाफ होते जा रहे थे। इसके बहुत से कारण थे जो मैं आपको अभी बताऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजनीतिक कारण की, थोड़ा सा ही मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, उसके बाद सीधा हम मेन टॉपिक पे फिर चल पड़ेंगे। तो राजनीतिक कारण ये थे कि अंग्रेज़ों ने जो है वो जैसे कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत जो है वो सारा अवध, झांसी, कानपुर, सिक्किम आदि पर अधिकार कर लिया था और नाना साहेब की पेंशन भी बंद कर दी थी, जिसके कारण ये सारा राजा जो है वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए थे। अब बात करते हैं धार्मिक कारण की। तो धार्मिक कारण जो है उसमें रहेगा कि अंग्रेज़ जो है वो ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिसके कारण भी भारतीय लोग इनके विरुद्ध हो गए थे। अब नेक्स्ट रहेगा सामाजिक कारण। तो भारतीय समाज में लिप्त कुरीतियों जैसे सती प्रथा, दास प्रथा आदि के विरुद्ध कानून बनाकर उसका अंत किया गया अंग्रेजों के द्वारा। फलतः तत्कालिक भारतीयों ने इसे अपने समाज और धर्म में अंग्रेजों का जो है वो हस्तक्षेप माना। इस कारण भी जो है वो लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हुए थे। अब बात करते हैं तत्कालिक कारण की, जो उस समय के कारण थे जिसके कारण जो है वो 1857 की क्रांति जो है वो स्टार्ट हुई है। तो अब मैं मेन टॉपिक पे आ रही हूँ अपने, जहाँ से हम इसके बारे में आगे सब कुछ पढ़ेंगे। तो 1857 में जो है वो ब्रिटिश सेना द्वारा नई बंदूकों का प्रयोग जो है वो शुरू किया गया। इन बंदूकों की कारतूसों को प्रयोग करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग जो है वो किया जाता था। इसी कारण जो है वो हिंदू और मुसलमान सैनिकों की धार्मिक भावनाएं जो है वो प्रभावित हुई। तो उसके बाद क्या होता है वो मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर, जो छावनी में थे, उन्होंने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से जो है वो मना कर दिया था। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार उन्हें क्यों किया गया था, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो जो है इन कारतूसों को मुंह से नहीं काटेंगे, क्योंकि यहाँ इनमें जो है वो गाय की चर्बी जो है वो यूज हुई है। और हिंदू धर्म में आप सभी को ही पता है कि गाय कैसा स्थान रखती है, देवी की तरह गौ माता को जो है वो पूजा जाता है। इस करके इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि ये जो है वो गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से नहीं काटेंगे। और जब इन पर जबरदस्ती दबाव बनाया गया तो इन्होंने क्या किया कि जो अधिकारी इन पे दबाव बना रहे थे उन्होंने लेफ्टिनेंट बास और लेफ्टिनेंट ह्यूज को ही, उन्हीं को ही गोली मार दी, उन्हीं अधिकारियों को। इस कारण जो है वो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। मंगल पांडे जो थे ये यूपी के बलिया के रहने वाले थे। इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर जो है वो विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। ये जो मंगल पांडे थे ये 34 नेटिव इन्फेंट्री से जो है वो संबंधित थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये भी आपने याद रखना है कि ये बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नेटिव इन्फेंट्री के जो है वो जवान थे मंगल पांडे।
तो इतना हमने देख लिया कि कैसे जो है ये क्रांति स्टार्ट होती है। अब हम चलते हैं इसके आगे। इसके बाद क्या होता है कि सैनिकों ने सबसे पहले जो है वो 30 मई को 1857 को विद्रोह का दिन जो है वो निर्धारित किया था। सबसे पहले बात की गई थी कि क्रांति जो है वो 30 मई से स्टार्ट की जाएगी, और इसके लिए जो अगर एक दूसरे को संदेश पहुंचाना होता था तो उसके लिए रोटी तथा कमल के फूल का जो है वो प्रयोग किया जाता था। कुछ भी संदेश भेजना हो अगर तो उन्हें जो है वो रोटी या फिर कमल के फूल के माध्यम से जो है वो भेजा जाता था। परंतु कुछ लोग इसमें ऐसे थे जिनके मुँह से ये बात निकल जाती है कि हम 30 मई को कुछ ऐसा करेंगे, और अंग्रेज जो हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। इस करके ही इस क्रांति को पहले ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसके बाद जो है ये क्रांति फिर स्टार्ट होती है। दस मई 1857 को, तो ये डेट आपने याद रखनी है। पहले डेट इनके द्वारा जो फिक्स की होती है वो की होती है 13 मई, कि हम 13 मई 1857 से जो है वो विद्रोह स्टार्ट करेंगे। परंतु अंग्रेज जो है इस डेट के बारे में जान जाते हैं, इस करके जो है इस फिर सारे क्रांति को जो है वो 10 मई से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो आपने जो डेट याद रखनी है वो रखनी है 10 मई वाली, क्योंकि 30 मई वाली अब डेट का कोई लेना देना नहीं है, तो इसको आपने याद नहीं रखना है। आपने रखना है 10 मई 1857 को। तो 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। तो कई बार ये क्वेश्चन डैट में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बना हुआ है कि 1857 की क्रांति जो है वो कहाँ से शुरू होती है, तो ये होती है मेरठ से। डेट पूछी जाती है कि किस दिन हुई है, तो वो होती है 10 मई से। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, तो वो थे 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान। इतना आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। ये तीनों ही पॉइंट इसमें याद रखने वाले हैं, एक ये हो गया और तीसरा जो है ये हो गया। तो ये तीनों ही पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, तभी जो मैंने मेन है यहाँ पे लिख दिया है। बाकी जो एक्स्ट्रा इसके बारे में आपको कहानी की तरह बताने को है कि हुआ क्या क्या था, कैसे कैसे, वो मैं ऐसे बोल के कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में याद रह सके कि कैसे कैसे ये चीज़ें हुई थी। अब उसके बाद क्या होता है कि ये विद्रोही पूरी छावनी के हथियारों को लूट कर 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को जो है वो विद्रोह का नेता जो है वो घोषित कर दिया। तो आपने यहाँ से ये वाली लाइन याद रखनी है कि 11 मई को बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में दिल्ली से विद्रोह हुआ। 10 मई को स्टार्ट होता है, 11 को जो है ये पहुंच जाते हैं दिल्ली, और वहां पे जो है इनका नेतृत्व करते हैं बहादुर शाह जफर। उसके बाद जो है वो 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ से विद्रोह करती हैं, और 5 जून 1857 को नाना साहिब तथा तांते टोपे ने मिलकर जो है वो कानपुर से विद्रोह कर दिया। तो ये डेट कई बार पेपरों में पूछी जाती है, तो ये डेट भी आपने याद रख लेनी है कि मेरठ से चल के 11 मई को पहुंच जाते हैं ये दिल्ली, 4 जून को विद्रोह होता है लखनऊ से, और 5 जून को होता है कानपुर से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब जितने भी ये पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं इन सबको आपने याद रखना है, क्योंकि इन सभी से ही पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस बिंदु से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड भी किया है। तो अब बात करते हैं स्थान की। तो स्थान सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट हुई थी, और सबसे पहले कहाँ पहुँचती है, दिल्ली में जा करके। तो दिल्ली स्थान रहेगा, दिल्ली। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि दिल्ली से जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, या फिर उस विद्रोह को दबाने वाला कौन था। तो आपने साथ साथ में ही याद रखना है, एक साइड को स्थान है, एक साइड को नेतृत्व करने वाले हैं, और दूसरे साइड को जो है वो कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने जो है वो इस विद्रोह को दबाया था। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है दिल्ली से, तो स्थान रहेगा दिल्ली, नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर व बख्त खां। ठीक है,
तो ये आपने याद रखना है। और दमनकर्ता मतलब विद्रोह को दबाने वाला कौन था, तो उसमें रहेगा निकल्सन और हडसन, निकल्सन और हडसन, इन दोनों ने जो है इस वाले विद्रोह को दबाया था। नेक्स्ट बात करते हैं लखनऊ से, तो स्थान लखनऊ रहेगा। लखनऊ से नेतृत्व किया था वो किया था बेगम हजरत महल व बिरजिस कादिर ने। मेनली जो पेपरों में पूछा जाता है वो ऑप्शन में बेगम हजरत महल ही रहता है, बाकी इस दूसरे नाम को भी याद रखना आपने, ताकि अगर आ जाए ये तो फिर आप वहां पे क्वेश्चन को गलत करके ना आओ। और विद्रोह को दबाने वाला कौन था, कोलिन कैंपबेल। पेपरों में मैक्सिमम टाइम लिखा होता है कैंपबेल, तो आपने कैंपबेल ही याद रखना है, इतना याद रख के ही आपका काम जो है वो चल पड़ेगा। तो दिल्ली से आपने देख लिया, लखनऊ से देख लिया, बात करते हैं कानपुर की। तो कानपुर से जो है वो स्टार्टिंग किसने की थी, वो की थी नेतृत्व किया था नाना साहेब व तांत्या टोपे ने। तांत्या टोपे का पुराना जो बचपन का नाम था या फिर वास्तविक नाम था वो था इनका नाम रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग जो है वो तांत्या टोपे का नाम था। और इस वाले कानपुर वाले विद्रोह को जो है किसने दबाया था, तो वो दबाया था कैंपबेल ने ही। नेक्स्ट बात करते हैं झांसी से, तो झांसी जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, और इसे दबाया किसने था, जनरल ह्यूरोज। ये वाला क्वेश्चन पेपरों में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो आपने जरूर ध्यान में रखना है इसे। बाकी ये मेन में जितने भी हैं वो पेपरों में पूछे जाते हैं, दिल्ली वाला पूछा जाता है, लखनऊ वाला पूछा जाता है, कानपुर वाला पूछा जाता है, झांसी वाला पूछा जाता है। बाकी बरेली, तो बरेली से किसने किया था नेतृत्व, खान बहादुर खान ने। और इस विद्रोह को दबाया किसने था, विसेंट आयर ने। तो ये भी आपने याद रख लेने हैं, क्योंकि कई बार पेपरों में ये भी पूछे जाते हैं, जैसे बरेली हो गया, फैजाबाद हो गया, तो ये भी आपने याद रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फैजाबाद की, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह। और इसे किसने दबाया था, रेनार्ड वहा कॉलिन कैंपबेल ने। तो कैंपबेल जो है वो इस विद्रोह को दबाने वाला भी यही था, दूसरा नाम भी आपने याद रखना है नेरार्ड का, रेनार्ड का। नेक्स्ट बात करते हैं इलाहाबाद, तो इलाहाबाद से जो है वो लियाकत अली खान जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे, और इसे दबाने वाला कौन था, तो रहेगा कर्नल नील। और कर्नल नील जो है वो ऐसा अधिकारी था जिसकी मृत्यु जो है इसे दबाते दबाते ही हो गई थी, इस विद्रोह को जो है वो खत्म करते करते ही कर्नल नील की जो है वो मृत्यु हो जाती है, कर्नल नील जो है इसमें मारा जाता है, तो ये भी आपने जरूर ध्यान में रखना है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ से पेपरों में क्वेश्चन 1857 की क्रांति से अगर डालना हो उन्होंने थोड़ा डीप सा, तो इसी के बीच से मैं वो डालते हैं, बाकी इसको एक दो बार अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये याद हो जाता है। कैंपबेल वाले साथ में रखना याद, ये फिर आसानी से याद हो जाते हैं। सबसे पहले आपने तीनों को साथ में इकट्ठा नहीं करना याद, कि स्थान कर लिए, नेतृत्व कर लिए और दमनकर्ता भी पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले स्थान याद करो, जैसे दिल्ली का, तो सिर्फ इसके बारे में पहले इतना ही याद रखना कि नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। वैसे ही आपने सभी के नेतृत्व देख लेने एक एक करके, जब ये आपको याद हो जाएंगे उसके बाद फिर जोर देना कि इस विद्रोह को दबाने वाला कौन था, तब जा करके आपको ये याद होंगे। बाकी आप ट्रिक से याद करना चाहो ट्रिक से हो जाते हैं,
पर एक टाइम ऐसा आता है कि आपके पास इतने ज़्यादा ट्रिक इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि आपने एक चीज़ तो पढ़नी नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा आपको तैयार करना पड़ता है। चाहे आप एचपी टैट की बात कर लो, चाहे कमीशन की बात कर लो, चाहे आप अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, और एक टाइम पे आपके पास इतने ज़्यादा जो है ट्रिक्स इकट्ठे हो जाते हैं कि वो आपस में ही फिर आपको भूलने लगते हैं। तो इससे अच्छा है कि इस तरह से आप इन्हें अपने माइंड में बिठाओ ताकि कभी ये भी अगर आपको आए तो आप फिर वहाँ पे ट्रिक्स याद ना करने लगो। अगर किसी को रह जाते हैं ट्रिक्स याद तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वह उनसे आंसर निकालना बड़ा इजी रहता है, परंतु वो होता है कुछ क्वेश्चंस के लिए। अगर सारे ही क्वेश्चन ट्रिक्स याद करने लगें तब फिर इतने ज़्यादा माइंड में नहीं रहते हैं। कुछ बच्चे रख भी लेते हैं परंतु कई बच्चे नहीं रख पाते हैं, तो उन्होंने थोड़ा समझ के याद करना है। अगर समझ के किया होता तो वहाँ पर ऐसा होता है कि कई बार ऑप्शन एक जो उन्होंने पढ़ा होता है वो आया होता है और बाकी तीन थोड़े अलग अलग करके डाले होते हैं, तो फिर बंदा उसी के बीच से निकाल लेता है कि इसका सही आंसर जो है ये हो सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे करोगे। तो बाकी बात करते हैं बनारस की। तो यहाँ से नेतृत्व किया था लियाकत अली खान ने ही, और दबाने वाला भी था इसे कर्नल नील ही। बात करते हैं जगदीशपुर की। तो जगदीशपुर के आरा से जो है वो नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, और इसे दबाने वाला था विलियम टेलर व विसेंट आयर। बाकी एक और रहते हैं कि पटना से किसने जो है वो विद्रोह किया था। तो पटना से विद्रोह जो है पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। पटना से किया था पुस्तक विक्रेता पीर अली, तो इसको भी याद रख लेना। और पेपरों में ये जगदीशपुर वाला जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आपने जरूर ध्यान में रखना है। और इन अलग अलग लोगों ने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया, तो इनके विद्रोह करने के भी कई कारण थे। जैसे बेगम हजरत महल से अवध छीन लिया गया था इसलिए उन्होंने विद्रोह किया था। नाना साहेब की पेंशन बंद की गई थी। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनने दिया जा रहा था। और कुंवर सिंह से जो है वो जमींदारी छीन ली गई थी। तो ये बहुत से कारण थे जिसके चलते जो है उस टाइम ये विद्रोह जो है वो शुरू हुआ था। और यहाँ पे आपको एक नाम देखने को मिलेगा, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। बहादुर शाह की पत्नी थी जीनत महल, जिसने जो है वो अंग्रेजों को सारी गोपनीय सूचनाएं जो है वो दे दी थी। जो भी गोपनीय सूचनाएं होती हैं वो अंग्रेजों को दे दी थी ताकि जो है उसे जो उसका मतलब हो हल हो सके, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने जो है वो बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और फिर उसे रंगून भेज दिया, जहाँ पे बहादुर शाह जफर की जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने जो है वो बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया था। तो उन्होंने भेज दिया था रंगून, जहाँ पे जो है वो बहादुर शाह की जो है वो 1862 में फिर मृत्यु हो जाती है। और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड कैनिंग होता है। ये भी आपने जरूर ध्यान में रखना है। और उस टाइम पेपरों में पूछा जाता है कि उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो पाल्मस्टेन जो है उस टाइम प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के। कहीं पे इस नाम को पाल्मस्टेन लिखा हुआ है और कहीं पे पाल्मस्टर्लिंग लिखा हुआ है, तो दोनों एक ही हैं ये पाल्मस्टर्लिंग। तो ये आपने जरूर ध्यान में रखना है। और इसी क्रांति के बाद जो है वो गवर्नर जनरल का पद जो है वो समाप्त किया जाता है और वायसराय का पद जो है वो यहाँ पे लाया जाता है। और पहले वायसराय जो बनाया जाता है वो भी लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी पेपरों में बनता है। तो 1857 का जो है विद्रोह लंबे समय तक नहीं चलता है लंबे समय तक। इसका कारण ये होता है कि कुछ लोगों के अपने अपने स्वार्थ होते हैं और दूसरा जो है वो पढ़े लिखे लोग भी इससे अपना किनारा ही रखते हैं, जिस करके बहुत से अंग्रेज अधिकारी जो हैं इस विद्रोह को दबा देते हैं, एक दूसरे को भड़काते हैं। हिंदू मुस्लिम
जैसे लोगों में फैलाते हैं, और बहुत से ऐसे कारणों की वजह से जो है ये विद्रोह जो है वो थम जाता है। इस विद्रोह में सबसे लास्ट में पकड़े जाते हैं तांत्या टोपे 1859 में। 1857 से क्रांति स्टार्ट होती है और इसका अंत माना जाता है 1859 को, जब जो है वो तांत्या टोपे पकड़े जाते हैं। और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा जो है इन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है तांत्या टोपे को। कई बार ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि 1857 का जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था उससे सबसे लास्ट में कौन सा जो जिसके द्वारा जो है वो विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है वो कौन सा लास्ट में पकड़ा गया था जाकर के, तो वो पकड़े गए थे तांत्या टोपे। बाकी थोड़ा सा मैंने आपको ये भी बताना है, परंतु उससे पहले थोड़ा सा और बता लेती हूँ मैं पहले आपको। विद्रोह के दौरान जो है वो इलाहाबाद को अंग्रेजों की आपातकालीन केंद्र बनाया गया था, ठीक है। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पे जो है इस पत्र को पढ़ के सुनाया था, जो कि महारानी के द्वारा घोषणा पत्र भेजा गया था, तो वो इलाहाबाद में 1858 में जो है वो पढ़कर सुनाया गया था। इस घोषणा के अनुसार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन जो है वो इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। पहले जो है ये था कंपनी के हाथों में, परंतु अब सीधा चला जाता है महारानी के हाथों में। और ब्रिटेन ने यह भी वादा किया कि अब वो किसी भी नए क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। और जब विद्रोह के टाइम हुआ था, विद्रोह हुआ था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मैंने पहले भी आपको बताया कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो पामर्सटर लीन थे तथा भारत का गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग की सिफारिश पे सेना का पुनर्गठन किया गया। पहले क्या किया जाता था कि जो भारतीय सैनिक रखे जाते थे उनसे काम ज़्यादा लिया जाता था और उनको वेतन जो है वो बहुत कम दिया जाता था, उनको प्रमोशनें भी जो है वो बहुत कम दी जाती थी। तो पील आयोग की सिफारिश पर ही सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना में राजपूत ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली तथा पठानों की संख्या जो है वो बढ़ाई गई है। तो इन क्वेश्चनों को याद में रखना आपने। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि महारानी का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था, तो वो पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने, और कब पढ़ा गया था, 1 नवंबर 1859 में, ठीक है। और पढ़ा कहाँ गया था, इलाहाबाद में। और भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है वो इसी में ख़त्म किया जाता है 1 नवंबर 1859 को, 1858 को। और इस पद को ख़त्म करके जो है अब वायसराय का पद यहाँ पे लाया जाता है। तो गवर्नर जनरल अब वायसराय के रूप में महारानी का प्रतिनिधि बन जाता है। तो 1857 की क्रांति के बाद जो है वो पहला वायसराय जो बनता है वो लॉर्ड कैनिंग ही बनता है। तो टैट में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी बनता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय अगर पूछे जाए कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो इसी को जो है वो भारत का पहला वायसराय भी बनाया जाता है, तो वो भी था लॉर्ड कैनिंग ही। तो ये सब कुछ आपने याद रखना है। लास्ट में आपको थोड़े से क्वेश्चन भी मैं आपको इससे रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताऊंगी। बाकी ये देख लीजिए 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत। तो ज़्यादातर जो पेपरों में पूछा जाता है तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसने कहा था कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्वेश्चन ऐसे आता है कि 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा जो है वो दी थी, तो वो दी थी बीडी सावरकर के द्वारा। बाकी भी आपने इन पे नज़र मार लेनी है, अगर कहीं पर पूछ लिए जाए तो आप फिर आपके माइंड में थोड़ा सा हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है या इसी का आंसर ये हो सकता है, तो इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है तो ये वाला बनता है वीडी सावरकर वाला। जब ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था तो अंग्रेज़ों के लिए इस विद्रोह के कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ खड़ी हो रही थी, परंतु धीरे धीरे
जैसे ही अपने अपने स्वार्थ में सभी लोग आ गए, हिंदू मुस्लिम लड़ने लगे, तो ये विद्रोह जो है वो कमज़ोर पड़ता है और कैसे ना करके इसे जो है कैसे ना कैसे करके दबा दिया जाता है। तो बाकी अब थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। तो ये वाले क्वेश्चन जो है मैंने बुक से ऐड किए गए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन जो है जो मैक्सिमम टाइम पेपरों में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद हम एचपी टेट के पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। और उसी के बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म किया जाता है और वायसराय लाए जाते हैं, तो वायसराय भी पहला कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो सबसे पहले अपना बलिदान जो देते हैं वो रहेंगे मंगल पांडे, जो कि 34 नेटिव इन्फेंट्री से जो है वो संबंधित थे और इनको अप्रैल 1857 में जो है वो फांसी दी जाती है और ये यूपी के बलिया के रहने वाले थे। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो किसने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे? वीडी सावरकर ने। मैं बुक से इसलिए क्वेश्चन मैंने ऐड किए हुए हैं ताकि आप देख लो कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह टू को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो 1857 के विद्रोह के बाद इन्हें कहाँ भेजा गया था? रंगून में, ठीक है। और किसने गिरफ्तार किया था? कर्नल नील ने। और रंगून में ही जो है इनकी मृत्यु फिर हो जाती है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह टू को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है, सेम ही है। तो कहाँ भेज दिया गया था इन्हें? रंगून। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पहले पेपरों में बने हुए हैं, अलग अलग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब दिखाती हूँ मैं आपको एचपी टेट वाले क्वेश्चन। तो ये रहेंगे क्वेश्चन जो कि एचपी टेट के पेपरों में इस वाले टॉपिक से आए हुए थे। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये वाला क्वेश्चन जो है इसी बार जो जून में टेट हुआ है आर्ट्स वालों का, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इलाहाबाद से किया है लियाकत अली ने। ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विशाल विद्रोह डैश डैश से शुरू हुआ था, ये भी टैट का ही क्वेश्चन है, तो ये हुआ था मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी टैट का ही है कि राजा कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? तो राजा कुंवर सिंह ने जो किया था वो किया था जगदीशपुर का। तो ऑप्शन में जो है वो बिहार दिया गया था, तो जगदीशपुर जो है ये है बिहार में, तो सही आंसर रहेगा बिहार। अगर ऑप्शन में जगदीशपुर नहीं होगा, बिहार होगा, तब भी सही है, क्योंकि जगदीशपुर जो है वो बिहार में ही आता है, तो फिर आपने वहाँ पे बिहार टिक करके आना है। तो ये मैंने आपको दो तीन क्वेश्चन भी दिखा दिए कि इस वाले टॉपिक से टैट में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।